क्या आप जीनोफोबिया का अर्थ जानते हैं, शब्द का अर्थ जानते हैं? असल में इस शब्द का इस्तेमाल अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस और चीन के साथ साथ जापान और भारत के लिए किया है, जो कि दोनों करीबी सहयोगी हैं अमेरिका के। इस शब्द का मतलब, जीनोफोबिया का मतलब होता है विदेशियों से भय या उनके लिए डिसलाइक। राष्ट्रपति बाइडेन नवंबर में राष्ट्रपति चुनाव के लिए एक जो चंदा जमा करने के लिए डिनर का आयोजन था, उसमें वो बोल रहे थे और उसमें इमिग्रेशन पर वो बोल रहे थे। उनके खिलाफ जो सबसे मजबूत प्रतिद्वंदी हैं, जो रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप, वो इमिग्रेशन के बिल्कुल खिलाफ हैं। और यहां पर शायद जो बाइडेन ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि डेमोक्रेट्स या खुद वो कितने प्रो इमिग्रेशन हैं। तो यहां पर उन्होंने न सिर्फ दो और देशों का नाम लिया बल्कि जापान और भारत का भी नाम लिया, जो उनके करीबी सहयोगी हैं, अमेरिका के करीबी सहयोगी हैं। वॉशिंगटन डीसी के मेफ्लावर होटल में ये स्पीच चल रहा था। स्पीच में डेमोक्रेट्स को प्रो इमिग्रेंट दिखाने के लिए और अमेरिका के आर्थिक विकास में उनका कितना बड़ा योगदान है, ये सब याद दिलाते हुए उन्होंने ये कहा कि चीन, रूस, जापान और भारत ये प्रवासियों से डरते हैं, इमिग्रेंट से डरते हैं, जीनोफोबिया है इनके प्रति। रूस और चीन से तो रिश्तों में तलखी है, तो एक तरह से उनकी बात समझ में आती है कि इस तरह का बयान वो दे सकते हैं, लेकिन जापान और भारत का नाम उन्होंने लिया, जिसने सबको चौंका दिया और माना यह जा रहा है कि दोनों देश इससे नाखुश हो सकते हैं। हालांकि जब इस बारे में बाद में स्टेट डिपार्टमेंट से, अमेरिका के विदेश मंत्रालय से सवाल पूछा गया, तो उन्होंने ये कहा कि ये एक दूसरे कॉन्टेक्स्ट में, अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने बात की है और भारत और जापान काफी करीबी सहयोगी हैं, मजबूत सहयोगी हैं अमेरिका के, और पिछले 3 सालों में जो बाइडेन ने इन दोनों देशों के साथ रिश्तों पर काफी मेहनत की है। असल में पिछले साल जून में अमेरिका में स्टेट गेस्ट के तौर पर पीएम मोदी को आमंत्रित किया गया था, वहां पर दोनों देशों के लोकतांत्रिक मूल्यों की चर्चा हुई। पिछले महीने ही जापान के पीएम किशिदा को भी वहां पर आमंत्रण था और ये दोनों ही देश अमेरिका के साथ कई कई क्षेत्र में बहुत जबरदस्त सहयोग कर रहे हैं, सुरक्षा के क्षेत्र में जबरदस्त सहयोग कर रहे हैं, क्वाड में साथ साथ है। और अमेरिका असल में एक ऐसा देश माना जाता है जो कि इमिग्रेंट्स ने बनाया, ये हमेशा से ये कहा जाता है, लेकिन पिछले कुछ वक्त में इस रुख में, इमिग्रेंट्स के प्रति जो रुख है, उसमें काफी बदलाव आया है। ये इसलिए भी हुआ है क्योंकि पिछले कुछ वक्त में, कुछ सालों में बड़ी संख्या में गैर कानूनी इमिग्रेंट जो हैं वो अमेरिका और यूरोप पहुंच रहे हैं, खासकर अफ्रीकी देशों से या फिर ऐसे देशों से, अफगानिस्तान जैसे देशों से, जहां पर घर में बहुत कॉन्फ्लिक्ट के हालात हैं, तो ऐसी जगहों से वो वहां पर पहुंच रहे हैं। और इसको लेकर काफी, क्योंकि रिसोर्सेज पर भी दबाव है, तो इसको लेकर काफी कई सेक्शंस में, जो पॉपुलेशन है उसके कई सेक्शंस में इसको लेकर काफी नाराजगी भी है। लेकिन यहां पर जो भाषण जो बाइडेन दे रहे थे, उस वो कहीं ना कहीं ये राजनीतिक कोशिश लगती है कि जो बड़ी संख्या है प्रवासियों की, उनका वोट कैसे हासिल किया जाए। हालांकि जिन आर्थिक हालात की बात यहां पर जो बाइडेन कर रहे हैं, वो तथ्यात्मक तौर पर अगर देखें तो वो सही नहीं लगता। चीन और रूस की तो फिलहाल बात ना करें, लेकिन जापान जो है वो काफी हमेशा से बहुत मजबूत एक पावर रहा है, आर्थिक स्थिति उसकी मजबूत रही है। हालांकि पिछले कुछ वक्त में वहां पर जो नंबर ऑफ बेबीज बॉर्न है वो इस तरह से कम हो गए हैं कि इसे क्राइसिस सिचुएशन बताया जा रहा है। ये भी सच है कि जापान जो है वो हमेशा इमिग्रेंट फ्रेंडली नहीं रहा है वो, लेकिन अब वहां के नियम जो है वो धीरे धीरे इस तरह से ढीले किए जा रहे हैं कि वहां पर लोग आए, पढ़े, रहे। दूसरी तरफ भारत की अगर हम बात करें तो भारत का जो आर्थिक आउटलुक है वो दुनिया के कई जो वित्तीय संस्थान हैं उन्होंने उसे बहुत पॉजिटिव बताया है। और ये भी बताया गया है कि 6.6 जो ग्रोथ है वो 2024 में जीडीपी का रहने वाला है। जो 10 देश हैं टॉप इकोनॉमीज जिनकी जीडीपीज मानी जाती है, उनमें से अमेरिका और चीन, जर्मनी और जापान के बाद भारत जो है वो 5वें नंबर पे है। तो भारत भी आर्थिक फ्रंट पर काफी अच्छा कर रहा है। पिछले वक्त में एक ऐसा कानून भी पास हुआ है जहां पर जो आसपास के देशों में जो हिंदू, सिख, पारसी, बुद्धिस्ट हैं, ये सिटीजनशिप जल्दी ले सकते हैं यहां पर भारत में आकर, ऐसा एक कानून भी पास किया गया है। तो ये कहना कि इमिग्रेंट से डर है, ये कहीं ना कहीं बहुत दूर की कौड़ी नजर आती है और इसको लेकर सवाल लगातार
उठ रहे हैं, लेकिन चुनाव है और चुनाव में कई तरह की चीजें बोली जाती हैं जो कि असल में दोनों देशों के रिश्तों पर उस तरह से असर नहीं डालती। जैसे कि अगर सच में एक विदेशी मामलों में अगर फॉर्मल तौर पर बात हो और इस तरह की बात उठाई जाए। दिल्ली से कादम्बिनी शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।